हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने पॉलिनोमियल चैप्टर में है उसके रिलेशन बिटवीन द रूट्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसके अंदर हमारे पास दो तरीके के पॉलिनोमियल्स हैं 10th क्लास के कोर्स में, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो अपन जानते हैं जनरल फॉर्म में होता है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। मैं चाहता हूँ कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये मैं चाहता हूँ एक जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और अगर बात करें तो इसके दो रूट्स अपन मानते हैं, एक लेते हैं अपन अल्फा और एक लेते हैं अपन बीटा। तो अगर इस इक्वेशन के मैं रूट्स बोल लीजिए, आप इनको अपन रूट्स बोल सकते हैं, अपन इनको सॉल्यूशन बोल सकते हैं, अपन इनको आंसर्स बोल सकते हैं, अपन इनको जीरोस बोल सकते हैं, जो चाहो वो बोल लीजिए। चारों का मतलब यही है, चाहे आप रूट्स बोलें, चाहे आप सॉल्यूशन बोलें, चाहे आप आंसर बोलें, या फिर चाहे आप जीरोस बोलें, तो चारों का मतलब वन इन द सेम है। मतलब अगर इन दोनों के सम निकालें अपन तो उसको कहेंगे हम सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स का मतलब होता है अल्फा और बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा को अगर आप ऐड कर लेंगे तो जो फॉर्मूला होता है मेरा, वो फॉर्मूला जो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी यानी जो एक्स का कोफिशिएंट है वो, और ए यानी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा इनटू बीटा, अगर आप अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो फार्मूला आता है वो आता है सी अपॉन ए, यानी सी जो अपनी कांस्टेंट वैल्यू है वो, और ए यानी जो अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो। तो इस चीज को समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एक इजी सा क्वेश्चन। तो अपने को दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। तो उसका आपको बोला है कि इसके पहले तो रूट्स निकालिए और फिर रूट्स का रिलेशन वेरीफाई करिए। कैसे करते हैं अपन ये? सबसे पहले इसके हम रूट्स निकालेंगे जो अल्फा बीटा के इक्वल होंगे। अल्फा बीटा के इक्वल रूट्स निकाल लेते हैं हम, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमारे फार्मूले से यानी फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम देख रहे हैं 12 पे जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x2 4x 3x 12। आई होप आप सबको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन आता है, वरना आप CMC की साइट पे जाएं और उनका कोई भी एक वीडियो देखें जिसके अंदर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखाई गई है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखने के लिए आप वाला वीडियो देखें। यहां पे अपन ने इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन कर लिया है। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो x plus 4, इसमें से प्लस का 3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा x plus 4। दोनों के अंदर से अगर अपन x plus 4 कॉमन ले लें तो कुछ इस तरीके से अपने पास इसके दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर इन दो फैक्टर्स को एक एक करके, दोनों को एक एक करके जीरो की इक्वल कर लेंगे तो x plus 3 is equal to 0 और x plus 4 is equal to 0। तो एक x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x की वैल्यू माइनस 3 और एक x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस 4। अब इन दो वैल्यूज में से किसी भी एक को आप अल्फा ले लें और किसी भी एक को आप बीटा ले लें एज पर योर कन्वीनियंस। जैसे आप ये चाहो आप इसको भी अल्फा ले सकते हैं, इसको बीटा ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब आप जानते हैं कि अपने पास दो आंसर आ गए हैं, एक अल्फा के रूप में और एक बीटा के रूप में। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, तो सम ऑफ द रूट्स जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स, यानी इन दोनों की वैल्यू को अपन क्या करते हैं ऐड। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -3 प्लस -4 करेंगे तो ये जानता हूं मैं क्या आ गया -7, यानी जो रूट्स निकालने के बाद मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करी तो ये आ रहा है -7। अब अपन फार्मूला बेस देखेंगे तो फार्मूला बेस जो है वो है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, मुझे आता है फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी यानी जो एक्स के कोफिशिएंट के साथ होता है, यहां पे मैं देख रहा हूं एक्स के साथ मेरा क्या है 7, तो माइनस का 7 अपॉन ए। ए यानी जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे है 1, तो व्हिच इंप्लाइज -7। मैंने देखा कि रूट्स निकालने पर भी दोनों का एडिशन -7 आ रहा है, और अगर फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तो भी -7 आ रहा है, हेंस सम ऑफ द रूट्स का रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब अपन ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का करेंगे, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में जाकर दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे
माइनस थ्री को जब मैं माइनस फोर से मल्टीप्लाई करूंगा इस अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग, तो आएगा 12। माइनस थ्री इंटू माइनस फोर जो होता है वो होता है प्लस का 12। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं अल्फा बीटा निकालूंगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा जो आता है वो आता है सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए मीन जो कॉन्स्टेंट है वो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो अपने पास जो यहाँ पे कोफिशिएंट के रूप में है वो है 12 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो विच इंप्लाइज 12। तो हमने देखा कि हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करते हैं नॉर्मल रूट्स निकाल के तो भी 12 आ रहा है, और फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तो भी 12 आ रहा है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन जो है रूट्स का वो वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से आपको अपना जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो करना है। और कोई क्वेश्चन हो आपके पास तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। वील मेक द वीडियो एएसएपी एंड पोस्ट इट ऑन द सीएमसी यूट्यूब चैनल। थैंक यू।